बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के ख़िलाफ़ कभी सीता वाइट और टैरियन के सामने आता है, कभी इमरान खान के ख़िलाफ़ इद्दत के सामने आ जाता है, कभी इमरान खान के ख़िलाफ़ इसको खड़ा किया जाता है, कभी हाजरा पानेजई सामने आ जाती है, रेहम खान वो भी सामने आ चुकी थी, एक कोई मैडम ताहिरा भी हो गुजरी हैं। ऐसे किरदार लोगों की पगड़ी उछालने के लिए, लोगों को बदनाम करने के लिए सामने आते रहते हैं, लाए जाते रहते हैं। इद्दत केस इमरान खान पर बनाया गया था, इमरान खान के ख़िलाफ़ एक गवाह को खड़ा किया गया, टूटी टांगें, दुखती बाहें, कितनी मुश्किल से उसको मनाया गया, उसको सिखाया गया, उससे इंटरव्यू करवाया गया, किस तरह से उसने गवाही पर आमादगी ज़ाहिर की। आमादगी क्या ज़ाहिर की, वो बिल्कुल डट के खड़ा हो गया कि इमरान खान ने ये कहा है। बुशरा बीबी ऐसी थी, इनकी अहलिया थी, कोई गैरत होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होता है। इस बंदे की तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान को मैंने अपने नौकर के ज़रिए घर से बाहर निकलवा दिया था, अगर इसमें गैरत होती तो। ये बंदा कह रहा है खबर माने का कि अगर इमरान खान में गैरत होती तो मैंने जिस तरह से घर से बाहर निकलवाया था तो सबसे बड़ा बेगैरत कौन हो सकता है जो अपने बच्चों की, बेटियों की, बेटों की माँ के बारे में ऐसे इल्ज़ाम लगाता है, जिसके बारे में इन्होंने पहले कहा था कि मैं कुरान पर हाथ रख कर गवाही देता हूँ कि इस जैसी, बुशरा बीबी जैसी मेरी मुतलका हैं, इन जैसी मैंने पूरी दुनिया में पाक दामन तरीन खातून नहीं देखी, बीवी नहीं देखी। एक मौके पर ये बात कर रहे थे। और फिर जैसा कि हमने पहले भी अपने व्लॉग्स में कहा कि इसमें खबर मानिका का इतना कसूर नहीं है, लेकिन उसको ये बात करते हुए तो कोई सोचना चाहिए था। आप कल क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, किस तरह से आप कह रहे हैं कि इमरान खान में अगर गैरत होती, और ख़ुद किस तरीके से आप गैरत का मुजाहरा कर रहे हैं। बहरहाल खबर मानिका साहब को खड़ा किया गया, गवाह खड़ा किया गया, तो मुद्दई बैठ गया। इमरान खान के ख़िलाफ़ इद्दत का मुकदमा, अपनी मौत, आप मर गया। यार कितने लोग ये ऐसे मुकदमे बनवाने वाले हैं, किसी के ख़िलाफ़ भी मुकदमा है, इमरान खान के ख़िलाफ़ है या किसी एबीसी के ख़िलाफ़ मुकदमा है, ऐसे मुकदमात बनाने का क्या जवाब बनता है सिवाय इसके कि आप उसको बदनाम करना चाहते हैं, उसको रुसवा करना चाहते हैं, मुआशरे में आप उसकी पगड़ी उछालना चाहते हैं। बहरहाल जो मुद्दई आया था मजिस्ट्रेट के सामने, जिसने मुकदमा दर्ज करवाया था इद्दत के हवाले से कि इद्दत पूरी नहीं हुई और इमरान खान ने शादी कर ली है, वो बैठ गया। उसने कहा जनाब जज साहब मेरी दरख्वास्त वापस कर दी जाए, मैं ये केस आगे नहीं चलाना चाहता। तो वो लोग जिन्होंने खबर मानिका को गवाह बनाकर खड़ा किया, और वो लोग खासकर जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, जिस तरीके से वो डींगे मार रहे थे, जिस तरीके से वो शादियाने बजा रहे थे, उनको भी कोई शर्म करनी चाहिए कि आपके घर में भी ये सारा कुछ हो सकता है, होता भी रहता है, लेकिन आप किस तरह से किसी की इस तरह सिर्फ सियासी मुखालफत की बिना पर उसकी पगड़ी उछालना चाहते हैं, उससे मकसद क्या हासिल होगा। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, ऐसे बड़े बड़े लीडरों के कैसे कैसे स्कैंडल आते रहे, ये खुद ही एक दूसरे के स्कैंडल सामने लाते रहे, तो उनसे क्या इनकी सियासत दफन हो गई। अगर इन लोगों की सियासत दफन हुई है तो ऐसे स्कैंडलों की वजह से नहीं हुई, बल्कि इनके किरदार की वजह से, इनकी करप्शन की वजह से। इन्होंने जो कुछ पाकिस्तान के साथ कर दिया, जिस तरह से अपनी हुक्मरानी के दौरान पाकिस्तान की मुईशत को डुबो दिया, उस वजह से इनकी सियासत का बेड़ा गर्क हुआ है, स्कैंडलों की वजह से नहीं हुआ, जो सच्चे थे या झूठे थे। इमरान खान पर इद्दत के हवाले से क्या केस बनता है, सीता वाइट और टैरियन वाला, उस केस में क्या कुछ है वो भी पूरी दुनिया का पता है। इमरान खान इस बारे में क्या कहते हैं और उनके मुखालिफ क्या कहते हैं। अब ये हुआ है कि मजिस्ट्रेट के सामने जनाब मोहम्मद हनीफ साहब गए, उनको भी कुछ शर्म दिलाने की ज़रूरत है कि इद्दत किस का मामला है, किन का मामला है, आप दरमियान में कैसे टपक पड़े। बहरहाल उनको किसी ने समझा दिया, उनको किसी ने बता दिया, उनको कोई शर्म आ गई, ज़मीर जाग गया, कोई गैरत उनकी जाग गई, तो उन्होंने ये केस वापस ले लिया, अदालत में चले गए। लेकिन वहाँ पे कोई शरीफ ज़्यादा बैठा हुआ था, शरीफ ज़्यादा मतलब यह है कि किसी शरीफ माँ का बेटा बैठा हुआ था, उसके सामने मुकदमा आया तो उसने तो सुनना ही था। जब उसके सामने मुद्दई चला गया कि जनाब मेरी दरख्वास्त वापस कर दी जाए, तो उन्होंने जस्टिस अमर फारूक साहब की तरह
और जनाब लतीफ़ ख़ान खोसा की तरह जब उनके सामने एक्सटेंशन का केस आया था तो जिसने वो केस किया था, जो दरख्वास्त लेके गया था, पिटीशन जिसने दायर की थी, उसने कहा जनाब मेरी पिटीशन मुझे वापस कर दी जाए। उन्होंने कहा नहीं, अब हमारे पाँव के तले बटेरा आ गया है, अब आप यहाँ पर आ गए हो, पिटीशन दाखिल हो चुकी है, हमारे सामने मामला आ चुका है, हम इसको मंथ के अंजाम तक पहुँचाएँगे। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो जनरल बाजवा के बहुत ही ख़िलाफ़ थे, उन्होंने कहा हम आपको वोट दूंगा। उन्होंने हुक्म जारी किया, ख्वाजा आसफ़ को और दीगर लीडरों को लंदन बुलवाया, वहाँ पे कुरान पर हाथ रख के कहा कि मैं जो कुछ कहूँगा ये बात बाहर नहीं जाएगी। मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से मुस्लिम लीग नून के सारे लोग वोट दे दे, और फिर वोट दे भी दिया गया। बात हम कर रहे थे कि किस तरह से एजाज साहब की तरफ से एक बेहतरीन फैसला किया गया, बेहतरीन कदम उठाया गया, उनके सामने मुद्दई चला गया, उसने कहा कि मैं दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूं। लेकिन पाकिस्तान में ये रवाज है कि दरख्वास्त देने वाला अगर सामने आ जाता है और जाज साहब की मर्ज़ी की दरख्वास्त है तो फिर वो वापस नहीं ले सकता। ये दरख्वास्त उस बंदे को वापस कर दी गई और ये केस अपनी मौत, इद्दत वाला केस अपनी मौत आ मर गया। उधर जनाब जस्टिस आमर फारूक साहब हैं, उनके सामने टेरियन का और सीता वाइट का केस गया था, तीन जजों का बेंच बना था, दो जजों ने उस केस को फारग कर दिया, जनाब आमर फारूक साहब ने उस केस को दबा लिया, फैसला हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जारी हुआ, जनाब आमर फारूक साहब की तरफ से उसको हटा दिया गया और कहा कि ये पगड़ी उछालने वाला मुकदमा है, ये किसी को जलील और रुसवा करने वाला मुकदमा है, ये किसी की साख को तबाह करने वाला मुकदमा है, ये किसी को आलमी सतह पर रुसवा करने वाला मुकदमा है और मुकदमा है इमरान खान के ख़िलाफ़। मैं कैसे इसको फैसले को तस्लीम कर लूँ, कैसे इस मुकदमे को दो जजों के कहने पर ख़त्म किया जा सकता है। उनकी तरफ से इस फैसले को जारी करने से इनकार किया गया और कहा गया कि इस केस को एक बार फिर सुना जाएगा, जिस केस का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जज का बहुत बड़ा सबसे बड़ा जज कहता है कि जिस मामले पर फैसला हो चुका है वो मैं केस एक बार फिर सुनूंगा और इमरान खान को सजा दे के ही रहूँगा। इमरान खान के जितने भी केस हैं जनाब आमर फारूक साहब के पास उनके सामने गए हैं, उन पर वो फैसला कर देते हैं, फौरी तौर पर फैसला कर देते हैं और फैसला महफूज करके उसके ऊपर फिर क्या बन के बैठ जाते हैं। तो जब उनको पता चलता है कि आप इस फैसले के क्या इमरान खान को मुस्बत नतज मिलेंगे, मनफी मिलेंगे, जब उनको यकीन हो जाता है कि अब इमरान खान को इन फैसलों से कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, तो फिर वो फैसला जारी कर देते हैं। बात हमने यहाँ पे ये भी की थी कि किस तरह से इमरान खान को जलील और रुसवा करने के लिए इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह अगर नहीं चाहता तो कोई भी बाइज़्ज़त नहीं हो सकता और कोई और किसी को भी ज़िल्लत नहीं मिल सकती जब तक अल्लाह पाक की मंजूरी ना हो। इन लोगों की तरफ से जिसकी भी पगड़ी उछाली जाने की कोशिश की जाती है, अल्लाह ताला को अगर मंजूर नहीं है तो ये जितनी भी कोशिश कर लें किसी की पगड़ी नहीं उछाल सकते, किसी को ज़िल्लत नहीं दे सकते। बहरहाल इनकी ख्वाहिशें ऐसी हैं, पहले रेहम खान को सामने लाया गया था, उनकी एक किताब सामने आई, अब हाजरा पानी जई वो किताब लेकर सामने आई है, इस पर हम एक वीला कर चुके हैं। उनकी ये किताब सामने आई जिसके मंदरजात पहले ही सामने आ चुके थे, 2014 में ये किताब पहली बार शाये हुई थी तो किसी ने नहीं पूछा। अब फिर इनको उठाया गया कि अब ये बेहतरीन मौका है इमरान खान को रुसवा करने का, उनको जलील करने का, तो ये माई सामने आ गई, इसने वो किताब लॉन्च कर दी और बड़े फख्र से कहती हैं कि इसमें 40% मवाद इमरान खान के बारे में है। ये उन्होंने कहा कि 40% मवाद इमरान खान के बारे में है, उनके मुतालिक है, लेकिन ये इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है। इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर मवाद नहीं है तो फिर इस किताब में क्या होगा। ये सारा कुछ जिन लोगों की मर्ज़ी से, जिन लोगों के कहने पर हाजरा पानी जई साहबा की तरफ से किया गया है, वो भी कोई ऐसे नहीं है कि वो छुपे हुए हैं। और इस किताब की तकरीब रूनमाई हुई तो वहाँ पे कौन से लोग गए थे, फिर हम बात करेंगे। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। उधर मुनीस जहांगीर की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि अपने प्रोग्राम में ऐसे लोगों को लाया जाए जो इमरान खान को
जलील और रुसवा करने में उनका साथ दें। बार बार एक ही सवाल के आप इस बारे में क्या कहते हैं, खबर मानिका ने यह कह दिया, बुशरा बीबी ये करती रही, इमरान खान के घर जाती रही, इमरान खान से मिलती रही, इमरान खान उनके पास जाता रहा, कितनी कितनी देर तक बैठा रहता था। सलमान अकरम राजा साहब से पूछा गया और जहांगीर जदून जो मुस्लिम लीग नून के कट्टर हामी हैं, उनके वकील हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी बड़े शर्म का, बड़े हया का, बड़ी गैरत का मुजाहरा करते हुए कहा कि ये उनका पर्सनल मामला है, इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। इसके बावजूद भी मुनीज़ जहांगीर जो आसमा जहांगीर की साहबजादी हैं, उनकी तरफ से पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान को जितना भी इन मेहमानों के ज़रिए रुसवा किया जा सकता है किया जाए, लेकिन मेहमान मान देने के लिए एक दो के अलावा तैयार नहीं थे। इसी तरह से आसमा शिराजी साहिबा भी शाहज़ेब खानज़ादा साहब की मदद के लिए, उनकी मुआवनत के लिए उन्होंने जो इंटरव्यू किया उसको जायज़ करार देने के लिए मैदान में आ गईं। फिर हम वही बात करेंगे कि किसी की इज्जत बढ़ाने के लिए अगर आप थोड़ी सी मुबालगा अमेजी कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन किसी को जलील करने के लिए, रुसवा करने के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर उससे बड़ा लानती शख्स, नाज़रीन आप क्या कहते हैं, क्या कोई हो सकता है किसी की नाजायज तरीके से पगड़ी उछालनी, किसी को इज्जत देनी हो तो चलो ठीक है। देखते हैं कि इमरान खान को ऐसे लोग कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब तक अल्लाह ताला के हाँ किसी के लिए इज्जत मंजूर है तो पूरी दुनिया इकट्ठी होकर जोर लगा ले, उसकी इज्जत में फर्क नहीं पड़ सकता। इसके साथ इजाज़त दीजिए कि इज्जत केस में इमरान खान को सुरखरुई हासिल हुई है, मुदई ने अपना केस उठा लिया है और जिस गवाह को खड़ा किया गया था, टूटी टांगों वाले गवाह को, दुखती बाजों वाले गवाह को, उसको खड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल्लाह हाफिज़।